2023 में YouTube पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। अब इस कंपटीशन में हम किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जो बड़े बड़े यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं और मैं ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप इस बात पे अमल करते हैं और इसको समझ लेते हैं तो आप भी यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं और आपका भी बहुत ज़्यादा चांस है कि चैनल ग्रो हो सकता है। दोस्तों जब भी हम यूट्यूब पर आते हैं ना, हम क्या करते हैं कि जब भी किसी की वीडियो देखते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो हम बनाते हैं और डालते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि उस वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, उस पे कोई ग्रो ही नहीं हो रहा, हमारा मतलब जो हमने सोचा होता है वो हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या होता है कि हमारा सारा मोटिवेशन ठंडा पड़ जाता है और फिर से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं। हमारा मेन मसला क्या होता है कि हमें टॉपिक ही नहीं मिल रहा होता ना। टॉपिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों यूट्यूब पर। हमें क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ भी होता है ना, हम उसको उठाते हैं और उस पर बना देते हैं वीडियो। अब जब इस तरह से हम टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो नहीं चलेगी। तो ऐसा कौन सा तरीका हो कि जिससे हमारे पास टॉपिक की कभी कमी ना हो और हमारे पास नए 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 टॉपिक्स आते ही रहें। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की मुँह से सुना होगा कि अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी आपको चैनल पता है उस पर आप जाएँ और उनकी पॉपुलर वीडियो देखें या उनकी रिसेंट वीडियो देखें जो वायरल हो रही है, उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। अब हमें क्या होता है दोस्तों, दो चार चैनल पता होते हैं, उससे ज़्यादा तो हमें पता नहीं होते कि भाई एक कैटेगरी में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आपने ये करना है, सिंपली आपने यूट्यूब की एप्लीकेशन पर जाना है और यूट्यूब पर जाके जो भी आपकी कैटेगरी है सिंपल आपने वो लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी का कुकिंग का चैनल है तो उसने लिख देना है कुकिंग रेसिपीज़, तो उससे रिलेटेड जितने भी चैनल्स होंगे यूट्यूब आपको सजेस्ट कर देगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, एक एक करके अपने 10 से 12 चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं। लिटरली दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रही हूँ, आपने इसी तरह से करना है। आपने कुछ चैनल्स की वीडियो प्ले करनी है, लाइक करना है, उनको सब्सक्राइब कर देना है। आप इसी तरह 10-12 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हो रहा क्या दोस्तों, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इससे हो रहा ये कि यूट्यूब एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है कि जिसको जिस कैटेगरी में पसंद होता है वही उसको शो करवाता है। यानी अगर किसी को गेमिंग कैटेगरी पसंद है तो यूट्यूब उसको गेम से रिलेटेड ही सारे यूट्यूबर्स दिखाएगा। अब इससे हो रहा ये कि आपने जिन चैनल को सब्सक्राइब किया है वो तो आपके पास आएंगे, उसके अलावा आपकी कैटेगरी से रिलेटेड दुनिया भर में क्या हो रहा है आपको वो भी पता चलेगा। यानी इंडिया में, पाकिस्तान में या भारत के ममालिक में आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनकी कौन सी पॉपुलर वीडियो है या उनकी कौन सी रिसेंट वीडियो ऐसी हैं जो कि वायरल हो रही हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है दोस्तों, कभी भी टॉपिक की कमी नहीं होगी। इससे आपके पास टॉपिक की भरमार हो जाएगी और अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आपको टॉप यूट्यूबर्स भी मिल जाएंगे, टॉप चैनल्स भी मिल जाएंगे। वो मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा टॉपिक से रिलेटेड कि अब हम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं या कौन से यूट्यूबर्स कौन सी वीडियोज़ बना रहे हैं। हमारी कैटेगरी से रिलेटेड जिन चैनल को हमने सब्सक्राइब किया है और जिनको हमने नहीं भी किया, YouTube हमें वो सारे चीज़ें, वो सारे चैनल सजेस्ट करने लग जाएगा। तो हम एक एक करके देख सकते हैं कि कौन से यूट्यूबर्स कौन सी वीडियोस बना रहे हैं हमारी कैटेगरी से रिलेटेड, और हम भी उस पर वीडियोस बना सकते हैं, उनकी पॉपुलर वीडियोस उठा सकते हैं या उनकी जो रीसेंट वीडियो हैं जो ज़्यादा वायरल हो रही है, जिन पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, हम उन टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दें, इस तरह का हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।